हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको एवरीडे मेरा क्लास आप लोग को मिल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो यूट्यूब पर चैनल है उसका नाम है GEC क्लासेज, GEC, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूट्यूब चैनल का नाम है GEC क्लासेस, ठीक है। तो जो भी फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर सर्च करना है GEC क्लासेज और उस चैनल से जुड़ जाइए, आपको एवरीडे हमारा क्लास मिलेगा। लाइव क्लास मैं 11 बजे देता हूँ और हमारा वीडियो भी अपलोड होता है वहाँ पर, ठीक है। और जो YouTube पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी करिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लाइव में, उसमें हम लोग सीखेंगे एन एपिटाप के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो मैंने पहले ही हेडिंग दे दिया है एन एपिटाप, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए, फटाफट अपने पास कॉपी भी रख लीजिए क्योंकि आपको साथ में लिखना भी है। हमारा जो चैप्टर है एन एपिटाप, सबसे पहले आपको बता दें कि एन एपिटाप जो है ये लिखा गया है वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। देखिए, इस चीज़ को पहले समझने की कोशिश करिए। एक बात और, ठीक है, कि हम लोग जब भी पढ़ेंगे इस चैप्टर को, प्लीज़ आप जो है लिसन केयरफुली, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और अपने पास कॉपी भी रखिए, उसके साथ लिखना भी है आपको, क्योंकि यदि आप नहीं लिखेंगे तो क्या होगा कि आप हर चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। जो जो पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा वो चीज़ लिखना भी है और समझना भी है, लेकिन पहले आप मेरी वीडियो को सुन लीजिए सही तरीके से। सुन लेने से ही सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ये मेरा दावा है आपसे। और आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट करिए और सारा वीडियो देखिए। जो फेसबुक पर देख रहे हैं, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में भी सब वीडियो आपको मिलेगा धीरे धीरे। चलिए, आज के इस वीडियो में हम एन एपिटाप को स्टार्ट करते हैं। एन एपिटाप में ध्यान दीजिएगा, अब पहले सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 5 है आपके बुक का, ये बुक आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है, रेनबो पार्ट 2 12th का, ठीक है। तो ये 12th क्लास का है, ठीक है, 11th वाले देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, एन एपिटाप, पहले व्हाट इज एपिटाप, एपिटाप होता क्या है, इस चीज़ को पहले हम लोग समझते हैं कि एपिटाप क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि जब कोई मर जाता है तो देखिएगा, जैसे मुस्लिम धर्म में और बहुत सारे धर्म में क्या होते हैं कि उसको कब्र में दफनाया जाता है। तो कब्र में जो दफनाया जाता है तो उस पर कुछ स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, उसी लेख को हम कहते हैं एपिटाप। मतलब एक तरह से समाधि लेख, समाधि के ऊपर में, जो कब्र के ऊपर में, जैसे मान लीजिए कब्र है आपके पास, इस कब्र में कोई अंदर में आदमी है तो इसके ऊपर में जो कुछ लिखा हुआ है वही है हमारा एपिटाप, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि एपिटाप क्या हुआ। एपिटाप का मतलब होता है समाधि लेख, तो उस पर लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। तो चलिए, अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, इस आखिर इसमें है क्या, एपिटाप में ये बताया क्या है इसने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाल्टर डी ला मेयर ने ये लिखा हुआ है, आपको पता है कि एन एपिटाप जो लिखा हुआ है किसने लिखा हुआ है, वाल्टर डी ला मेयर, ठीक है। तो इसने जो लिखा, अब देखिए, आपको कहें कि मैंने ये काम किया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मुझे जानने का कोशिश करेंगे कि आपने ये काम किया, तो पहले आपको जानेंगे तब ना आपके काम को जानेंगे, आप मान लीजिए कैसे है नहीं है। इसीलिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, वाल्टर डी ला मेयर ने लिखा है एन एपिटाप, तो सबसे पहले हमको वाल्टर डी ला मेयर के बारे में जानना चाहिए कि ये कौन थे, कहाँ के थे, कब इसका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं अबाउट पोएट, मतलब वाल्टर डी ला मेयर के बारे में, ठीक है। तो चलिए, अबाउट जो पोएट, पोएम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोएट। तो अबाउट पोएट, पोएट इसमें कौन है आपको पता है, वाल्टर डी ला मेयर, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जानिए, हम लोग देखते हैं वाल्टर डी ला मेयर, इसका जो जन्म हुआ था, ठीक है, इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था, मतलब बॉर्न, इसका जो जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1873 में, ठीक है। पहले हम जान लेते हैं पोएट के बारे में, उसके बाद इसके एन एपिटाप को पढ़ेंगे।
बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है हमारा डाइड, ठीक है। ये जो मरे थे 22 जून 1956 में, ठीक है, 1956 में, मतलब ये 20th century के पोएट है एक तरह से, 20वीं सदी के ये है कवि, ठीक है। तो बोर्न कब हुए थे ये, 25 अप्रैल 1873 में, और जो इसकी मृत्यु हुई थी, इसकी जो मृत्यु हुई थी डाइड 22 जून 1956 में, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि इसकी मृत्यु कब हुई थी और इसकी जन्म कब हुई थी, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बारे में कुछ और जानने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमको सिर्फ इतना सा ही नहीं पूछ सकता, और भी इसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि बोर्न वाज इन द विलेज ऑफ कार्लटन केंट, ठीक है। कार्लटन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, और केंट तो समझिए कहाँ पर इसकी जन्म हुई थी। तो इस चीज़ को भी पॉइंट में मैं लिख देता हूँ, बोर्न इन द विलेज ऑफ कार्लटन इन केंट इंग्लैंड। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो पहले देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, इसका जन्म जो कहाँ हुआ था, देखिए इसका जो जन्म हुआ था, बोर्न इन द विलेज ऑफ कार्लटन। देखिए, ये जो कार्लटन है आपका, ये कार्लटन जो है, ये जो है आपका कार्लटन, ठीक है, कार्लटन जो है ये आपका, और यहाँ पर एन है, ठीक है। तो ये जो कार्लटन है आपका, ये एक विलेज का नाम है, जो कि एक शहर है केंट, इंग्लैंड का एक शहर है केंट, तो केंट में ये पड़ता है, और वह देश है इंग्लैंड। समझ रहे हैं बात को, यानी कि आप ये समझ गए कि ये इंग्लैंड का कवि है। अगर आपको ऑप्शन में आ जाएगा इंग्लैंड, तो आपको क्या देना होगा, इंग्लैंड देना होगा। समझ रहे हैं बात को, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, 25 अप्रैल 1873 में इसका जन्म हुआ था, डाइड ये मरे कब थे, 22 जून 1956 में, और बोर्न इन द विलेज ऑफ द कार्लटन केंट, मतलब केंट में, केंट एक जगह, एक शहर है, और एक गांव का नाम है कार्लटन, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, ठीक है। तो यहां तक आपने सीखा कि मतलब इसका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, इसके बारे में और ज़्यादा जानने का कोशिश करते हैं हम लोग। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, मतलब देखिए कितना इसका विपत्ति है कि 4 साल के एज में ही इसकी पिता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इन्होंने अपना जो पिता खो दिया था मात्र 4 साल की उम्र में, तो लिखिए, तो इस चीज़ को भी लिख लीजिए, ठीक है। तो He lost his father at the age of 4, ठीक है। मतलब कि देखिए, मैं आपको साथ में लिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव इससे बनेगा, इसको आप लिख भी लीजिएगा साथ में, ठीक है। एक ही साथ दो काम मैं कर रहा हूँ। ही लॉस्ट हिज फादर, उन्होंने अपने पिता को खो दिया था एट द एज ऑफ 4, मतलब मात्र 4 साल की उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया था। किसने, मतलब मतलब वाल्टर डिलामेयर ने, ठीक है। तो आपने जान गया कि कार्लटन केंट, जो केंट में पड़ता है, वहाँ इसका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, और इसकी जो मतलब इसकी अगर हम बात करें जीवनी की, तो 4 साल की एज में इन्होंने अपना पिता को खो दिया, मतलब 4 साल के उम्र के थे जब इसका पिताजी गुजर गए थे, ठीक है। अब देखिए, और भी इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं हम लोग कि ये जो कवि थे, ये जो वाल्टर डिलामेयर थे, ये बहुत ज़्यादा बच्चों से लगाव रखते थे, मतलब बच्चों के लिए समझिए कुछ भी कर लेते थे, मतलब बच्चों से काफ़ी ज़्यादा लगाव बहुत लोगों को होता है, ये आपको पता है। तो उसी तरह से ये जो कवि है, जो वाल्टर डिलामेयर है, बच्चों से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते थे, इसीलिए इसको लोग चिल्ड्रंस पोएट भी कह देते हैं, मतलब बच्चे का पोएट, ठीक है। और ये सॉन्ग लिखते थे, कुछ गाना लिखते थे, ठीक है, बच्चे के लिए। और पिकॉक पी इसका जो है, पिकॉक पाई जो इसका था, एक तरह से एक मोर वाला भी रचना था, और सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, ये दोनों इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रचना था, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि इनका जो महत्वपूर्ण रचना था वो क्या था, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखने का कोशिश करिए, ठीक है। तो देखिए, इसका जो वर्क्स मतलब फेमस वर्क कह सकते हैं आप, फेमस वर्क्स इसका जो था वो था सॉन्ग फॉर
सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। एक और था जिसका नाम था पिकॉक पाई, पिकॉक पाई, ठीक है। तो ये दोनों इसका बहुत ही मतलब प्रसिद्ध रचना था, किसका, जो मतलब जो वाल्टर डिलामेयर, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन और पिकॉक पाई, ठीक है। ये दोनों जो है इसका क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण फेमस वर्क्स था, ठीक है। तो आप लोगों ने समझा कि जो वाल्टर डिलामेयर थे वो कौन थे, एक तरह से लोग उसको चिल्ड्रंस पोएट भी कह देते थे, मतलब बच्चों का कवि, ठीक है। अगर आपको ये भी आता है ऑप्शन में कि चिल्ड्रंस पोएट कौन थे, तो वही थे कौन, वाल्टर डिलामेयर, ठीक है। तो वाल्टर डिलामेयर के बारे में और भी कुछ हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि देखिए, क्वीन एलिजाबेथ जो थी उन्होंने इसको प्राइज दिया था 1953 में, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ ने इसको प्राइज दिया था, महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने उसको, इसके ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मेरिट मतलब आप समझ गए होंगे, देखिए आपके बुक में भी लिखा हुआ है, मतलब एक तरह से जो कि साहित्य संस्कृति का योग्यता बनाने का जो एक तरह से पहचान है, वही होता है ऑर्डर ऑफ मेरिट। मतलब साहित्य के क्षेत्र में आप जो अपना पहचान बना रहे हैं, तो वही ऑर्डर ऑफ मेरिट बनता है। तो उसी के लिए ऑर्डर ऑफ मतलब ऑर्डर ऑफ मेरिट के उपाधि से सम्मानित किया था, ऑर्डर ऑफ मेरिट से इसको उपाधि से सम्मानित किया था, कौन, महारानी एलिजाबेथ ने, महारानी एलिजाबेथ, ठीक है। तो लिख देता हूँ इस चीज़ को भी, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इसको क्या किया था, सम्मानित किया था। तो लिख देते हैं इस चीज़ को भी यहाँ पर, क्योंकि आपको हर चीज़ लिखना ज़रूरी है। शायद आप लोग लिख लिए होंगे यहाँ तक, मैं नीचे जल्दी से लिख लीजिए, मैं हट जाता हूँ, जल्दी से लिखिए। तो अब देखिए, मैं थोड़ा नीचे का मिटा देता हूँ, ऊपर यहाँ का, क्योंकि देखिए अब इसी चीज़ का मुझे लिखना पड़ेगा ना, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा मिटा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, एक लाइन ही मिटाऊँगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को भी, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय भी है इसमें, ऑनर्ड, इसको सम्मानित किया था, ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, कब किया था, इन 1953। आपके बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको बता दिया तो और ज़्यादा अच्छा हो गया, ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन मतलब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इसको ऑनर्ड किया था, इसको सम्मानित किया था। ऑनर्ड का मतलब क्या होता है, सम्मानित करना, सम्मानित किया था उसे, किसे, मतलब उसे का मतलब यहाँ पर पोएट वाल्टर डिलामेयर, विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, मतलब ऑर्डर ऑफ मेरिट के साथ। ऑर्डर ऑफ मेरिट का मतलब क्या हुआ, साहित्य के क्षेत्र में जो मतलब एक तरह से जिसका जिस पहचान बनने का एक सर्टिफिकेट टाइप का होता है, एक पहचान होता है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो मतलब समझिए, बहुत बड़ा इसको पुरस्कार दिया एक तरह से, इतना बड़ा द ऑर्डर ऑफ मेरिट से इसको सम्मानित किया था, कब किया था, 1953, मतलब 1953 में। तो आई होप कि आप लोगों ने वाल्टर डिलामेयर की सारी कहानी को जान लिया है। अब हम लोग पोएम की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे इसके पोएम में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और चलिए अब पोएम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सभी लोग जिसके पास बुक नहीं है वो प्लीज़ बुक निकाल लीजिए, और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं तो मैं कमेंट का नहीं रिप्लाई दे पा रहा हूँ, ठीक है आप लोगों को। और मेरा एक बात बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी जीसी क्लासेज से नहीं जुड़े हैं, इस चैनल को जो फेसबुक पर देख रहे हैं, जीसी क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो फेसबुक पर हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल जीईसी क्लासेज आपको सर्च करना है और इसको जाके सब्सक्राइब करना है। देखिए और एक बात, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ और इस पूरा बिहार के साथ, बिहार के बच्चों के साथ आप फैलाने का कोशिश करिए प्लीज़, क्योंकि आपके थ्रू अगर दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट मिलता है तो ये आपको भी उसका मतलब एक तरह से
अच्छा मैसेज जाता है आपके पास भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पोयम जिसका नाम है एन एपिटाफ। तो देखिए एन एपिटाफ, मैंने आपको बता दिया कि एपिटाफ क्या होता है। एपिटाफ को फिर से समझिए, जैसे कोई कब्र पर जो लिखा हुआ होता है समाधि लेख, उसी को हम लोग कहते हैं एपिटाफ, ठीक है। तो देखिए एन एपिटाफ को हम लोग अब पढ़ते हैं कि ये जो इस पोयम में जो इन्होंने बताया है कि एक कब्र है, पहले समझने का प्रयास करिए, एक कब्र है, ठीक है, एक कब्र है, ठीक है, उसमें एक बहुत ही सुंदर महिला पड़ी हुई है, ठीक है, और वो मर करके उस कब्र में है, ठीक है। और कवि क्या कर रहे हैं, कवि जो है उस कब्र के पास खड़े हैं या बैठे हैं, समझ लीजिए, ठीक है। और उसी के बारे में वो जो बोल रहे हैं, जो भाव व्यक्त करेंगे कवि, क्या भाव व्यक्त करते हैं, वही चीज़ इस पोयम में दिखाया गया है कि एक कब्र है, कब्र में एक सुंदर लेडीज पड़ी हुई है और उस पर जो हमारा वाल्टर डी ला मेयर है, जो हमारा पोएट है, वो क्या रिएक्शन देते हैं, वही चीज़ इस पोएम में दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वाल्टर डी ला मेयर क्या रिएक्शन देते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पोएम को। देखिए तो सबसे फर्स्ट लाइन है, कह रहा हियर हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। क्या कह रहा है, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो इस कब्र में जो है, हेयर का मतलब क्या, यहाँ, यहाँ का मतलब उसी कब्र में, कह रहा है यहाँ एक सुंदर लेडी पड़ी हुई है, एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी पड़ी हुई, ठीक है। तो देखिए आप कभी क्या कहना चाह रहे हैं, अब उसकी भाव को तो हम लोग बाद में जानेंगे, पहले पूरा कविता को पढ़ लेंगे, इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, जरा सा भी इसकी मतलब लाइव को मत छोड़िए जरा सा भी, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं, कह रहा है कि हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइज का मतलब पड़ा हुआ है, तो कह रहा है कि एक सुंदर लेडीज, एक ब्यूटीफुल लेडीज इस कब्र में, मतलब इस जगह इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कह रहे लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। देखिए एक तरह से यह फ्रेजेज है, इसका मतलब होता है बिना उद्देश्य के घूमना। कह रहा है वैसा लेडी है इसमें, वैसा महिला है जो कि बिना उद्देश्य के घुमा करती थी। देखिए आप लोगों को पता है कि जब हमारे समाज में कोई लड़की होती है, मतलब एक तरह से सुंदर लड़की, वो घूमती है इधर उधर, तो लोग देखते हैं, तो उसी तरह से कवि ने भी उसे देखा होगा या कवि से, कवि को ज़्यादा लगा होगा उससे, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो जो थी वह विचरण करने वाली थी, इधर उधर घूमने वाली लेडी थी जो इस कब्र में भी पड़ी हुई है। मतलब वो लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वैसा थी कि मतलब वह इधर उधर घूमने वाली थी। आप बुक को देखिए, बुक का लाइन को देखिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आप में कहिएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो लेडीज़ थी वो इधर उधर क्या करने वाली थी, विचरण करने वाली थी, इधर उधर घूमने वाली लेडी थी, वैसा लेडी थी, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है आगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं, मतलब वैसा लेडी कि मतलब इस कब्र में पड़ा हुआ है, बहुत सुंदर लेडी है जो कि इधर उधर घुमा करती थी पहले, अभी तो बेचारी मरी पड़ी है, अभी तो जिंदा है नहीं, कब्र को देख करके कभी बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या हो रहा है, कर आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मोस्ट समझ रहे हैं, मतलब समझिए, हम डिग्री आप लोग अगर पढ़े होंगे कुछ तो आप लोग को पता होगा, बहुत सुंदर, अब उससे सुंदर हो ही नहीं सकता है मेरे ख्याल से, मतलब कभी ऐसा मान रहे हैं कि उससे सुंदर लेडी अब हो ही नहीं सकता है, जितना सुंदर लेडी थी। मोस्ट मतलब क्या, मतलब सबसे अधिक सुंदर, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लेडी थी। आई थिंक कभी ऐसा सोचते हैं वाल्टर डी ला मेयर ऐसा कहते हैं कि ऐसा लेडी जो इससे ज़्यादा सुंदर हो ही नहीं सकती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, कह रहा है ऐसा लेडी जो कभी वेस्ट कंट्री, मतलब पश्चिमी कंट्री में, पश्चिमी देशों में शायद ही पाया जा सकता है, ठीक है। तो वैसा लेडी है ये, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर, कि पश्चिमी देशों में ये शायद ही मिलेगा, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा, किसने, मतलब वाल्टर डी ला मेयर ने। तो ये कह रहा है कि फिर से मैं कह देता हूँ कि यहाँ सुंदर लेडी पड़ी हुई है जो कि स्वच्छंद विचरण करती थी, मतलब बिना उद्देश्य के उधर उधर घूमती थी। मैं सोचता हूँ कि ऐसा सुंदर लेडी रेयर में कभी मिलेगा, मतलब इधर कभी मिलेगा वेस्ट कंट्री, मतलब है ही नहीं उतना सुंदर लेडी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कभी, यहाँ तक तो ठीक है मान गए, बट आगे देखिए क्या कहते हैं, बट ब्यूटी बेनिसेज। अब देखिए किसी का जब पूरा बड़ाई कर दोगे और बाद में आप लगा दोगे बट, तो बट लगाओगे इसका मतलब क्या है कि उसका अब आप बुराई करने वाले हो, मतलब क्या करेंगे, किसी का खूब बड़ाई कर दिया, बोल दिए ये है वो है, बहुत अच्छा लड़का है या बहुत अच्छा लड़की है, पूरा उसका बड़ाई कर दिए, अब उसके बाद आप बोल रहे हैं बट,
बट का मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ अब खराबी उससे निकालिएगा आप, तो वही कभी अब यहाँ यूज कर दिए हैं बट। करा बट ब्यूटी बेनिसेज ब्यूटी पैसेज, करा जो ब्यूटी है वो बेनिसेज है, वो लुप्त होने वाला चीज़ है, वो क्या होता है जो सुंदरता है हमारे चेहरे का वो एक न एक दिन लुप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? देखिए बहुत बड़ा बातें की है कविता के अंत में, बताएंगे आपको कि भाव क्या व्यक्त कर रहे हैं कवि इसमें, कविता के अंत में आपको बताएंगे, आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, फुल्ली वीडियो के साथ, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ब्यूटी बेनिसेज, ठीक है, सुंदरता जो है लुप्त होने वाली चीज़ है, एंड पासेज, और ये मतलब गुजरने वाला चीज़ है, ये भी मतलब ख़त्म हो जाएगा हर किसी का, ठीक है। लेकिन देखिए हाउ एवर रेयर इट विल बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर, कह रहा है कि हाउ एवर कभी इसको रेयर है कि मतलब कोई इसको याद रखेगा, दुर्लभ है ऐसा, ठीक है। मैं अभी मैं हूँ तो मैं इसे याद करता हूँ, मैंने इसे देखा था तो मैं इसे याद करता हूँ, लेकिन मैं जब मर जाऊँगा, मैं जब गिर कर टूट जाऊँगा, क्रम्बल का मतलब होता है मतलब एक तरह से चले जाना, गिर कर टूट जाना, तो मैं जब मर जाऊँगा तो इसे कौन याद रखेगा इस लेडीज़ को, दिस लेडी इज़ द बेस्ट कंट्री, इस बेस्ट कंट्री की लेडी को, पश्चिमी सभ्यता के लेडी को कौन, मतलब पश्चिमी देशों की लेडी को कौन याद रखेगा बताइए। मतलब अभी मैं हूँ तो मैं याद रख रहा हूँ, फिर मान लीजिए मैं भी मर जाऊँगा तो कौन इस लेडी को याद रखेगा बोलिए। तो वही कह रहा है कि कौन, हु विल रिमेम्बर दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, इस लेडी को कौन याद रखेगा बताइए जब मैं मर जाऊँगा, ठीक है। तो इसीलिए उसने कहा कि जो ये लेडी है वो सुंदर थी और घूमने वाली थी, तो आज ये कब्र में चली गई है, मतलब मर गई है, तो इसको कौन याद रखेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कुछ गुण रहता, यहाँ पर देखिए कभी क्या भाव व्यक्त करना चाहता है, इस चीज़ को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। कभी यहाँ पर यह व्यक्त करना चाहता है कि आपको यदि कोई याद रखेगा तो आपके गुण पर रखेगा, ब्यूटी पर नहीं, सुंदरता पर नहीं। आज वो लेडी वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर लेडी थी, लेकिन उसको कोई याद रखने वाला नहीं है, लेकिन अगर उसमें कुछ गुण होता तो वो लोग उसे याद रखते, ठीक है। इसीलिए ब्यूटी बेनिसेज है, ब्यूटी सुंदरता पे कोई याद नहीं रखेगा आपको, आप कितना सुंदर रहिए, लेकिन आप में अगर कोई गुण है तो उस गुण को, वह गुण से ही आप जाने जाएंगे। इसीलिए आप अपने अंदर गुण बनाने का प्रयास करिए। ये कविता हमें मैसेज देती है कि आप अपने सुंदरता पर घमंड ना करें, आप अपने गुण पर घमंड करें, मतलब अपने आप में ऐसा गुण लाने का प्रयास करें जिससे कि आपको मरने के बाद भी लोग याद रखें। यही मैसेज देती है ये कविता हमें, और बहुत ही अच्छी बातें कही है इन्होंने, मतलब हमारे जो वाल्टर डी ला मेयर है कि जो ब्यूटी है वो बेनिसेज हो जाएगी, अपने एक दिन चली जाएगी, लेकिन अगर आपके अंदर कोई गुण है, कोई मतलब आपके अंदर ऐसा कुछ गुण है तो निश्चित रूप से लोग आपको याद रखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कविता जो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं इसका क्या करूँगा, आपको इसका मैं आपको मतलब क्वेश्चन भी करा दूंगा और समरी भी करा दूंगा, बट अभी पहले आप क्या करिए कि जो जो इसका वर्ड है कुछ कुछ, तो वर्ड भी लिख लीजिए, जो जो दो तीन इसमें वर्ड है तो वर्ड भी आप लिख सकते हैं। ये सब चीज़ आप लिख चुके हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ आप बाद में भी लिख सकते हैं, मतलब वीडियो रोक करके भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपको हो, ठीक है। तो बाद में भी आप देख सकते हैं, सारा वीडियो हम अपलोडेड करते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो एक बार आप इसको मतलब हिंदी में सुनने का प्रयास करिए, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ तब हिंदी लिखता हूँ, पहले एक बार हिंदी में इस चीज़ को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए कवि ने क्या कहा कि यहाँ पर एक सुंदर लेडी पड़ी हुई है कब्र में, और सुंदर लेडी पड़ी हुई है, और ये जो है वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर लेडी है, ये बहुत ज़्यादा और इधर उधर विचरण करने वाली लेडी है, मतलब इधर उधर घूमने वाली थी, पहले ये घुमा करती थी इधर उधर, कभी ने देखा होगा उसे कभी, ठीक है। तो ये देखिए ये जो वेस्ट कंट्री की लेडी है, शायद ही ऐसा सुंदर लेडी पूरे वेस्ट कंट्री में पश्चिमी देशों में होगी, ठीक है। तो ये जो लेडी है इसको कौन याद रखेगा, इतना सुंदर होने के बावजूद भी इसे कौन याद रखेगा जब इसमें कोई गुण ही नहीं था, तो कौन इसको याद रखेगा। आज मैं हूँ, मैं याद रख रहा हूँ, जब मैं भी मर जाऊँगा तो इसे याद करने वाला, इस वेस्ट कंट्री की लेडी को याद करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ गुण है ही नहीं, सिर्फ ये विचलन इधर उधर विचलन करने वाली लेडी थी, सिर्फ सुंदरता सुंदर थी और कुछ भी नहीं थी, ठीक है। तो बस यही इन्होंने मैसेज दिया है कि अपने आप में गुण लाने का प्रयास करें। तो चलिए थोड़ा सा वर्ड जो है जो भी है, चार पाँच तो वर्ड है, बहुत छोटा पोएम था, तो चार पाँच तो जो जो भी वर्ड है इसको लिख लीजिए जल्दी से आप लोग। तो देखिए और एक बात और है, जो भी फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर आप जाइए,
YouTube GEC क्लासेज को सर्च करके उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी करिए। ये आपका चैनल है, आपके भाई का चैनल है, ये समझिए, ठीक है। और इसको अधिक से अधिक फैलाने का प्रयास करिए, ये आपके हाथ में है। और आपने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया, तभी तो आज हमारा फैमिली 3300 हो चुके हैं इस चैनल पर, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है और ज़्यादा सपोर्ट करके इस फैमिली को 50,000 करने का कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है। तो चलिए जल्दी से थोड़ा सा जो वर्ड है इसका लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। और देखिए वर्ड जो है बहुत कम है इसमें वर्ड्स, ठीक है। तो वर्ड्स है, सबसे पहला है लाइज। लाइज का मतलब होता है पड़ा है, ठीक है। और दूसरा है आपका वर्ड लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। इसका मतलब हुआ बिना उद्देश्य के घूमना, जो कि वो लेडीज करती थी, बिना उद्देश्य के घूमना, ठीक है। चलिए जो जो भी वर्ड है सबको लिख लीजिए जल्दी से आप लोग, ज़्यादा वर्ड नहीं है इसमें। वेस्ट कंट्री पश्चिमी देश, पश्चिमी देश। बेनिसेज मतलब लुप्त होता है। पासेज मतलब गुजरते हैं। रेयर का मतलब हो जाएगा दुर्लभ। चलिए जल्दी से इसको आप लोग नोट करिए, मैं मिटा रहा हूं ऊपर का। उसके बाद हो गया 7 नंबर क्रम्बल मतलब गिर कर टूटना, या मृत्यु भी कह सकते हैं। कवि ने जो कहा है, कवि ने अपना मृत्यु की ओर इशारा ही किया है कि आई क्रम्बल जब मैं मर जाऊंगा, ठीक है। तो 8 रिमेम्बर मतलब याद करना। 9 अब तो इसमें कुछ वर्ड नहीं दिखता मुझे, ये सब चीज़ आप ऐसे ही जानते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो आप ऐसे ही जानते हैं, वेस्ट कंट्री लिखी दिए, ठीक है। तो इसीलिए अब कुछ खास नहीं है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपको क्या बताएंगे आगे, कि मतलब इसका समरी और इसका जो है मतलब क्वेश्चन आंसर वो सारा चीज़ लिखा देंगे। तो आप क्या करिए, इस चैनल के साथ बने रहिए और इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इस पोएम को कॉपी में भी लिखना है, कॉपी में लिख करके आपको पढ़ना है। इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम में जो आपको लाइन दिया जाएगा, उस लाइन को आप क्या करिएगा, उस लाइन को देख करके आप बता सकते हैं कि ये वाल्टर डिलामेयर का एन एपिटाफ का लाइन है, ठीक है। तो आप प्लीज़ लाइन को भी कॉपी में लिखा करिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।